हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में मैं रामलला जी का पूरा ड्राइंग कंप्लीट करूंगा, और अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो उस दोनों का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया हूं, आप वहां से ज़रूर चेकआउट कर लेना। और गाइस, अगर डिस्क्रिप्शन की तरफ जा ही रहे हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर से करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरे साथ अगर पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी ज़रूर से कर देना, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया हूँ। तो ड्राइंग में वापस आते हैं। यहाँ पे मैं पहले रामलला जी की बाकी जो भी ज्वेलरीज है और या फिर सोने की चीज़ है रामलला जी के अराउंड, उस चीज़ पे मैं पहले काम करूँगा। तो इसके लिए मैं जो भी गोल्डन ऑर्नामेंट्स है उसकी बेस लेयर पे पहले डीप येलो कलर से अच्छी तरीके से यहाँ पे शेडिंग कर लूँगा, और जो भी गोल्डन एरिया में लाइट एरिया है, यानी कि जिस एरिया में मैं शेडिंग कर रहा हूँ वहाँ पर जो भी लाइट एरिया है उस एरिया को मैं छोड़ के शेडिंग करूँगा, क्योंकि वहाँ पे मैं बाद में लेमन येलो कलर या फिर मीडियम येलो कलर, जो भी चाहो आप लोग इन दोनों कलर में से यूज़ कर सकते हो शेडिंग के लिए। और आप लोग अगर ध्यान दोगे तो ज्वेलरी में जो भी मैं स्टोन पे वर्क किया हूँ उसको अगर आप लोगों को अच्छी तरीके से जानना है कि मैं किस तरीके से वर्क किया हूँ तो आप लोग सेकेंड वीडियो ज़रूर चेकआउट करना। तो शेडिंग हो जाने के बाद दोनों कलर को मैं एक कॉटन बड की मदद से अच्छी तरीके से यहाँ पे ब्लेंड कर दूंगा, तो आप लोग देखो मैं किस तरीके से कर रहा हूँ। ओके, तो फर्स्ट लेयर पे ब्लेंडिंग हो जाने के बाद अब उसके ऊपर मैं सिंपली ब्राउन कलर की मदद से एकदम हल्के हाथ से अच्छी तरीके से यहाँ पे एक और लेयर ऐड कर लूंगा, और इस लेयर को भी मैं एकदम हल्के हाथ से ही ब्लेंड करूंगा। तो आप लोग देखो मैं कहाँ कहाँ पे किस तरीके से शेड कर रहा हूँ और किस तरीके से ब्लेंड करूंगा, आप भी वैसे ही करना। ओके, तो ब्लेंडिंग हो जाने के बाद गोल्डन ज्वेलरीज के ऊपर डिटेलिंग के लिए मैं यहाँ पे एक कैंची का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और उसकी मदद से स्क्रैच करके थोड़ी बहुत डिटेलिंग ऐड कर रहा हूँ ज्वेलरीज एरिया में। तो आप लोग देखो मैं किस तरीके से डिज़ाइन को क्रिएट कर रहा हूँ या फिर डिटेलिंग कर रहा हूँ, आप भी वैसे ही करना, या फिर आप लोग चाहे तो अपनी मर्जी के हिसाब से भी कर सकते हो। तो आप लोग देखो मैं किस तरीके से कर रहा हूँ। ओके, तो कैची की मदद से स्क्रैच करके डिटेलिंग हो जाने के बाद अब उसके ऊपर और थोड़ा सा डार्कनेस ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे कैमल का सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज़ किया हूँ। तो आप लोग देखो मैं सॉफ्ट चारकोल पेंसिल को यूज़ करके किस तरीके से यहाँ पे डार्कनेस ऐड कर रहा हूँ, आप भी वैसे ही करना। ओके, तो गाइस ज्वेलरी का पार्ट कंप्लीट हो जाने के बाद अब मैं यहाँ पे बाकी जो भी एरिया में पर्शियन ब्लू कलर का यूज़ करना है उन सारी जगह पे मैं पर्शियन ब्लू कलर से प्रेशर को मेंटेन करके अच्छी तरीके से यहाँ पे शेडिंग कर लूँगा। प्रेशर को मेंटेन करने से मेरा मतलब है कि कहाँ कहाँ पे लाइट प्रेशर अप्लाई करना है वहाँ पर मैं लाइट प्रेशर अप्लाई करूँगा, और जहाँ पर मुझे ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना है वहाँ पे मैं ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करके शेडिंग करूँगा। तो आप लोग देखो मैं किस तरीके से कर रहा हूँ, आप भी वैसे ही करना। ओके, तो गाइस पर्शियन ब्लू से सारी जगह पे शेडिंग हो जाने के बाद अब मुझे जहाँ पे भी मीडियम टोन नज़र आ रहा है वहाँ पे मैं सिंपली स्काई ब्लू कलर से अच्छी तरीके से यहाँ पे शेडिंग कर ले रहा हूँ, और स्काई ब्लू कलर से शेडिंग हो जाने के बाद जो भी जगह पे मुझे हाईलाइटेड नज़र आ रहा है या फिर जो भी जगह पे कम डार्क है वहाँ पे मैं सिंपली वाइट कलर से शेडिंग कर लिया हूँ। और तीनों कलर से शेडिंग हो जाने के बाद एक कॉटन बड की मदद से मैं यहाँ पे डार्क टू लाइट वे में ब्लेंड कर लूँगा,
डार्क टू लाइट वे से मेरा मतलब है कि मैं पहले एक कॉटन बर्ड की मदद से डार्क एरियाज पे ब्लेंड करूँगा, उसके बाद एक अलग कॉटन बर्ड की मदद से लाइट एरियाज में ब्लेंडिंग करूँगा। तो आप लोग देखो मैं किस तरीके से ब्लेंडिंग कर रहा हूँ, आप भी वैसे ही करना। ओके, तो गाइस ब्लेंडिंग हो जाने के बाद मुझे लग रहा है कि कुछ कुछ जगह पे और थोड़ा सा वाइट होना चाहिए या फिर लाइट कलर होना चाहिए, वहाँ पे मैं सिंपली वाइट कलर से शेडिंग कर लूँगा। और जो भी जगह पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैकिश स्टोन है या फिर ब्लैक जैसा स्टोन है, वहाँ पे मैं सिंपली ब्लैक कलर से शेडिंग कर लूँगा। और शेडिंग हो जाने के बाद मैं यहाँ पे पहले एक कॉटन बर्ड की मदद से जो भी एरिया पे मैं वाइट कलर से शेडिंग किया हूँ उस एरिया को ब्लेंड कर लूँगा। और उसके बाद एक अलग कॉटन बर्ड की मदद से जो भी डार्क एरियाज पे मैंने ब्लैक कलर से शेडिंग किया था उस कलर को मैं ब्लेंड कर लूँगा। तो कलरिंग पार्ट कंप्लीट हो जाने के बाद अब बारी है सॉफ्ट चारकोल पेंसिल की मदद से डिटेलिंग करना। तो आप लोग देखो मैं सॉफ्ट चारकोल पेंसिल की मदद से कहाँ कहाँ पे किस तरीके से डिटेलिंग कर रहा हूँ, आप भी वैसे ही करना। ओके, तो गाइस डिटेलिंग हो जाने के बाद अब बाकी है रामलला जी की कंधे पे जो भी कपड़ा है उस पर शेडिंग करना। तो उसके लिए मैं पहले ऑरेंज कलर की मदद से डार्क एरियाज पे और उसके बाद मीडियम येलो कलर से लाइट एरियाज पे शेडिंग करके इन दोनों को कॉटन बर्ड की मदद से अच्छी तरीके से यहाँ पे मिक्स करके ब्लेंड कर लूँगा। तो आप लोग देखो मैं किस तरीके से कर रहा हूँ, आप भी वैसे ही करना। और गाइस ब्लेंडिंग हो जाने के बाद अब मैं यहाँ पे योलो ऑकर या फिर डार्क योलो कलर पेंसिल की मदद से कुछ कपड़े में डिटेलिंग कर लूँगा, या फिर आप लोग कह सकते हो कि फोल्ड्स के अकॉर्डिंग शेडिंग कर लिया हूँ। तो गाइस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर से करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी ज़रूर से कर लेना। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।